Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. Aur maze ki baat dosto ye hai ki ye show ab Hindi mein bhi aayega. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में. चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. समटाइम्स आई लाफ विद गॉड अबाउट हाउ दे कांट स्टॉप मी. नो मैटर वॉट हैपन्स, आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, आपको भगवान टेस्ट करते रहेंगे और आपको उस टेस्ट में पास होते रहना है. विद दीज लाइन्स चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा और दिखाते हैं आपको सबसे पहले हमारा नेक्स्ट स्लाइड. दोस्तों, इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर शो हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड. इसका जो PDF है वो आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिया है. तो चलिए शुरू करते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने. सेंटर वॉन्ट सुप्रीम कोर्ट टू गेट टफ विथ फेसबुक एंड यूट्यूब. ये जो दो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जिनमें पहला आपका फेसबुक हो गया, दूसरा आपका यूट्यूब हो गया, इट कैन ऑल्सो बी व्हाट्सएप. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड सुप्रीम कोर्ट को कि आप इन पर कई चेंजेस को लाएं. देयर शुड बी सम गाइडलाइंस. There should be changes to the working of Facebook and YouTube in India. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि आप एक लॉ या आप एक ऑर्डर पास करें. तो आइए जानते हैं ये लॉ और ये ऑर्डर आपका आखिरकार क्या है. इसके लिए चलते हैं हम अपने हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स में. देखिए ये रहा आपके सामने. द सेंटर वॉन्ट स्ट्रिक्टर डायरेक्शंस टू फेसबुक एंड यूट्यूब फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. It will include considerably reducing the time taken by the Facebook, YouTube to comply with content removal request under sections of the IT Act to less than 10 hours from about 36 hours at present. उनका मानना है कि जो एक समय लगता है, जो भी आपकी एक रिक्वेस्ट आती है IT Act के तहत कि कुछ ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा कंटेंट है जिसे रिमूव करने की बात है, जिसमें करीब 36 घंटे लगते हैं, उसको अब आपको 10 आवर्स से कम करना है. ये पहला एक क्लॉज है. सेकेंड उन्होंने कहा है दे ऑल्सो वॉन्ट दीज एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक यूट्यूब, कि वो ऐसी संस्थाओं के साथ एक अग्रीमेंट करें जो इन कंटेंट को जल्दी से पहचानने में और जल्दी से रिमूव करने में हेल्प कर सके. सो ओवरऑल गाइज, द सेंटर हैज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई प्लीज़ आप इन जो दो सबसे बड़े एक जगरनॉट्स हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स में, फेसबुक और यूट्यूब, इन पर इन कंडीशंस को लगाना शुरू करें. तो ये हमारी आज की पहली खबर थी. जो लोग जानना चाहते हैं सर फेसबुक के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के बारे में जानते और पहचानते भी होंगे. देखिए, अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग. ही इज़ बेसिकली द फाउंडर. उनके साथ जो फाउंडर थे उनका नाम था एडुआर्डो सेवरिन. दो फाउंडर्स थे बेसिकली, एक आपके मार्क ज़करबर्ग, दूसरे आपके एडुआर्डो सेवरिन. तीसरी बात करें तो ये आपका द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली बेस्ड आउट इन कैलिफोर्निया. वहाँ एक जगह है, उसका नाम है मेनलो पार्क. वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो कि फेसबुक के हैं. और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब बेसिकली जो है वो गूगल का एक सब्सिडरी है, उसकी एक कंपनी है जो कि उनका एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. एंड यूट्यूब आपका दुनिया में आया 2004-05 में, एंड 2005 टू बी एग्जैक्ट. इस साल आपका गूगल दुनिया में आया. और इसके जो इस समय हेड हैं उनका नाम है सुज़न वोजिकी. इसके इस समय आपके हेड हैं. तो दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक यूट्यूब और दूसरा आपका फेसबुक. यूट्यूब जैसे कि फेसबुक है आपका जो कि कैलिफोर्निया में है, वैसे ही यूट्यूब भी आपका कैलिफोर्निया, दोनों ही आपके कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, ज़रा मैं एक बार कमेंट्स देख लूँ तो सबको यहाँ पर क्लियर हो गया है. ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रही अब आपके सामने.
जर्नलिस्ट कुलदीप नायर हैज़ पास्ड अवे। वरिष्ठ पत्रकार जो राज्यसभा के पूर्व मेंबर भी थे जिनका नाम है कुलदीप नायर, उनका 95 वर्ष की एज में देहांत हो गया। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ईयर्स, नंबर वन। नंबर टू, ही वॉज नोन फॉर स्टैंड अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो आपातकाल आया था भारत में, जो एक इमरजेंसी की थी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उस समय इनका जो एक स्टांस था उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अगर वापस स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर सवाल आपका एक ही बनेगा, कुलदीप नायर वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो उसका दोस्तों जो आंसर होगा आपके सामने, उसका आंसर होगा जर्नलिज्म, पहला। सेकेंड सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट हैज़ पास्ड अवे, उसका भी आंसर बनेगा आपका कुलदीप नायर। थर्ड सवाल बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एडिटर ऑफ द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के समय पे वो व्यक्ति कौन था जो एडिटर था, संपादक थे द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के, तो उसका भी जो आंसर होगा दैट विल बी कुलदीप नायर। तो ये तीन सवाल यहाँ पर आपके बन सकते हैं। स्माइल करते रहिए और आराम से शो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ और खास था नहीं। नेक्स्ट सवाल की खबर की बात करते हैं। सो फ्रॉम डिस्कसिंग द डेथ ऑफ अ जर्नलिस्ट, अ फेमस जर्नलिस्ट, लेट्स नाउ डिस्कस द डेथ ऑफ अ वेरी फेमस उड़िया एक्टर। उनका नाम है देबू बोस और उन्होंने करीब 120 से ऊपर फिल्में और टेलीविजन शोज किए हैं। एंड अगेन ही हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे। ही वॉज 75 ईयर्स ऑफ एज, 75 वर्षीय आयु में देबू बोस साहब, जो कि एक उड़िया सिनेमा के बहुत ही फेमस सितारे थे, ही हैज़ बेसिकली पास्ड अवे। उनकी करियर शुरू हुआ विद द उड़िया मूवी तपस्या और उन्होंने कई और मूवीज़ में भी यहाँ पर काम किया। बहुत ही सिंपल सी खबर है कि उड़िया एक्टर हैं, उनका नाम है देबू बोस, ही हैज़ पास्ड अवे एंड ही बिलोंग ऑफ कोर्स टू उड़ीसा एंड ही वाज 75 इयर्स ऑफ एज। तो दो यहाँ खबरें हैं जो कि ओबिचुरी को की ओर जाती हैं या फिर देहांत की ओर जाती हैं, उनमें पहला है कुलदीप नायर, दूसरे हैं देबू बोस जो कि वेटरन उड़िया एक्टर रहे हैं। तो रेस्ट इन पीस बोथ दीज ग्रेट सोल्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उसने साफ साफ कहा है कि द तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड कीप द वाटर लेवल इन द मुलापेरियार डैम अप टू और अंडर 140 फुट। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कि तमिलनाडु शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन कीपिंग द वाटर लेवल अंडर 140 फीट इन द मुलापेरियार डैम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, ऐसा कहा गया है क्योंकि उन्होंने लेवल को बढ़ाया, उस वजह से बड़ी मात्रा में वाटर स्प्रेड टू द नियर बाय स्टेट ऑफ केरला और वहाँ पर फ्लड की कंडीशंस में, फ्लड की जो एक सिचुएशन थी वो और ज़्यादा सीवियर हो गई। सो अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सब कमिटी, इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड दैट द वाटर लेवल इन द मुलापेरियार डैम should be under 140 फीट, 140 फीट से कम पानी यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी। सबसे पहले द मुलापेरियार जो कि एक आपका डैम है, ये डैम आपका तमिलनाडु के डायरेक्शन में आता है और ये पेरियार रिवर पे, बेसिकली ये केरला में आपका डैम पड़ता है काफ़ी हद तक, और इसमें वाटर रिलीज़ किया था तमिलनाडु, जिस वजह से ये डैम आपका इफेक्ट किया था। पर अगर ओवरऑल बात करें तो मुलापेरियार डैम इज़ बेसिकली ऑन द पेरियार रिवर। ये दो सवाल यहाँ पर आपके बन सकते हैं। नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डैम्स, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवर्स ऑन विच द डैम्स आर बेस्ड, तो मैं आपके सामने लाया हूँ एक कम्प्लीट लिस्ट। जी बिल्कुल, एक कम्प्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द डैम्स एंड रिवर्स जो इंडिया में हैं, उनमें से क्या क्या एग्ज़ाम में आए हैं उनको बताऊंगा। पर उससे पहले एक बार दिखाता हूं आपको कि वो जो एक कंप्लीट लिस्ट है हमारे डैम्स की और हमारे रिवर्स की, उसको आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरे सामने एक डेटा है, यहाँ पर दो डेटा मेरे पास है, एक तो ये और दूसरा ये। तो पहले हम फर्स्ट डेटा की बात करते हैं और इनमें मैं आपके लिए मार्क करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले बात करें तो निज़ाम सागर डैम एग्ज़ाम में आ चुका है, ये तेलंगाना स्टेट में है और ये मंजीरा रिवर में है। जो लोग को छोटा दिख रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज़ डाउनलोड द PDF इन द डिस्क्रिप्शन एंड साथ में मिलकर पढ़िए। अगर तो पहला यहाँ दिया हुआ है निज़ाम सागर डैम जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, मंजीरा रिवर पे है। उसके बाद बात करें तो वी हैव द श्री सेलम डैम, ये डैम कृष्णा रिवर पे है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देन उकाई डैम कई बार एग्जाम में आया है, दिस इज़ इन गुजरात, इट इज़ ऑन द ताप्ती रिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं, भाकरा नंगल डैम काफ़ी फेमस डैम है, ये सतलज रिवर पे है और ये हिमाचल और पंजाब प्रदेश के बॉर्डर पे आपका दिख रहा है। प्रीति शर्मा, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू डाउनलोड द PDF हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन लिंक, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो शर्म करो और डाउनलोड कर लो। आगे बढ़ते हैं, देन बात करते हैं और डैम्स की। उरी का एक डैम है, काफ़ी फेमस डैम है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो कि रिवर झेलम पे है। देन वी हैव द तुंगाभद्रा डैम जो कर्नाटका में पड़ता है, ये अगेन तुंगाभद्रा रिवर पे है। तो फर्स्ट लिस्ट में मेरे हिसाब से चार डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, निज़ाम सागर डैम, तो भाकरा नंगल डैम, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और तुंगाभद्रा डैम। अब बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की, आइए इसको दिखा देते हैं। संबीत जी जूम नहीं हो सकता, थोड़ा सा कष्ट कर लो, डाउनलोड कर लो PDF एंड उसको ओपन कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं सेकेंड लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो डैम एक इम्पॉर्टेंट डैम है, दैट इज़ द मलमपुज़ा डैम विच इज़ इन केरला, जो कि मलमपुज़ा रिवर पे है। ऑलराइट, पीची डैम, इडुकी डैम, ये सारे डैम्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, तो इन डैम्स को पढ़ लीजिएगा। इडुकी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डैम न्यूज़ में था, अगेन ये पेरियार रिवर पे है, तो ये जो डैम्स स्पेशली जो केरला के हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बाकी डैम्स की, तो उनमें बरनी सागर डैम, बरनी बगी डैम और बन सागर डैम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बगी डैम है आपका नर्मदा रिवर पे एंड बन सागर डैम है आपका सोन रिवर पे। सिमिलरली ये पहला लिस्ट है, तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें करीब 15 डैम्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सेट जो कि ये रहा आपके सामने। इनमें अगर बात करें तो कुछ डैम्स अगेन रिलेवेंट हैं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कोयना डैम है जो कि महाराष्ट्र में है, इट इज़ ऑन द कोयना रिवर। देन वी हैव दी देन वी हैव दी वन सेकेंड यस देन वी हैव दी गंगापुर डैम विच इज़ ऑन द गोदावरी रिवर, ठीक है, और आखिरी में है आपका हीराकुड डैम जो कि है महानदी रिवर पे। ये तीन डैम्स इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली बाकी डैम्स की बात करें तो मेटूर डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि कावेरी पर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इंपॉर्टेंट जिसे हम रिहंद डैम भी कहते हैं जो कि रिहंद रिवर पे आपका सिचुएटेड है। सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस। सो आई होप ये आपको दिख गया होगा, एक बार ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिए अगर आपको समझ में आया, प्लीज़ टाइप येस येस येस। सो गाइज, वेन एवर वील डिस्कस अबाउट एनी डैम वील हैव दिस डिस्कशन, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक खबर में आपको कुछ ना कुछ स्टैटिक का पार्ट देना स्टार्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुष्ठा श्रवण, उसका PDF जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड्स मार्केट वैल्यू क्रॉसेस 8 लाख करोड़। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी जो एक मार्केट वैल्यू है वो अब 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है। मतलब ये एक इट कैन बी द रीज़न, मतलब मैंने कल पढ़ भी रहा था कि लोग कह रहे हैं कि इसका रीज़न हो सकता है दी इन्फ्लुएंस ऑफ मुकेश अंबानी, द सक्सेस दैट ही हैड इन वेरियस वेंचर्स। अच्छा, जियो इज़ डिफरेंट एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ डिफरेंट। जियो जो है वो एक सेपरेट कंपनी है और RIL जो है वो एक सेपरेट कंपनी है। दिस कंपनी इज़ बेसिकली अ कंपनी विच इज़ मच वेंचर्ड इनटू रिफाइनरीज, इनटू पेट्रोकेमिकल्स, उनमें इसका रोल ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान समझिएगा कि RIL इज़ अ डिफरेंट एंटिटी एंड रिलायंस जियो इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। RIL इज़ अ लिस्टेड कंपनी बट जियो इज़ स्टिल नॉट अ लिस्टेड कंपनी इन वेरियस एक्सचेंजेस, अभी भी वो लिस्टिंग पे काम कर रहे हैं उसको। तो रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटल हो गया है, जिसका मार्केट वैल्यू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी एंड दैट इज़ अगेन रेलिवेंट, दैट इज़ एमकैप। सबसे पहले एमकैप का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आल अगेन रिपीट गाइस, एमकैप का फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सवाल उठेगा कि इसको आसान भाषा में क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग इन द इजियर सेंस। वेल, इट्स इजी वर्ड और इट्स सिंपलर वर्ड इज मार्केट वैल्यू। ऑलराइट, सो यू कैन ऑलवेज रिफर टू एमकैप एज मार्केट वैल्यू। अब सवाल यह बनेगा कि सर की एमकैप कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एमकैप, जिसमें फॉर्मूला होगा प्राइस पर शेयर इनटू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर प्राइस 100 रुपये है और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 हैं तो 100 × 10, ऐसा आपका एक फॉर्मूला यहां पर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो यहाँ पर ये बात ध्यान करने वाली है कि इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1977, जो कि करीब 41 ईयर्स पहले है। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है धीरू भाई अंबानी, अभी जो इसके हेड हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में बेस्ड हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड इन मुंबई इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन। अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है एक बार कमेंट में डाल दीजिए येस 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 वी हैव अंडरस्टूड। अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिए येस सर वी हैव अंडरस्टूड। परिनीता, दिस हेडलाइन इज मैंशन ऑन पेज नंबर 13, ये 13 पेज नंबर पर हेडलाइन जो है वो मैंशन की गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो में लिख दीजिएगा येस येस, और चाहे तो आप लाइक भी वीडियो को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, पर उससे पहले इसका हिंदी देख लीजिएगा। रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 13 जुलाई को उनका जो मूल्यांकन था, द मार्केट कैपिटल वॉज अबव 7 लाख करोड़ एंड दैट वॉज द सेकेंड कंपनी आफ्टर टी सी एस के बाद वो सेकेंड कंपनी थी, पर अब इसने टी सी एस को पछाड़ दिया है। अब ये पहली कंपनी है जो कि 8 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का बिजनेस या उससे ज़्यादा का मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। इंडिया टू ग्रो एट 7.5% इन 2018-19 एज पर मूडीज। नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूडीज? मूडीज इज बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आई अगेन रिपीट गाइस, मूडीज क्या है? मूडीज आपकी जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इस पूरे हेडलाइन में 2 से 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है GDP, सेकेंड कीवर्ड है क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी एंड थर्ड कीवर्ड है मूडीज। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सबको, पहले GDP को, फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स को। तो पहले आइए बात करते हैं हम GDP के बारे में। देखिए, GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है इसकी, फर्स्ट इन इंग्लिश, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज अ GDP। हिंदी में, एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर कुल कितनी वैल्यू है वस्तुओं और सुविधाओं की, उस वैल्यू को हम कहते हैं GDP। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, GDP इज बेसिकली द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इन एनी कंट्री। अगर किसी कंट्री की हमें ग्रोथ देखनी है तो उसका जो इंडिकेटर है दैट इज़ द GDP, दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सवाल बनेगा सर व्हाट इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल रेट अ कंपनी
एन इकोनॉमी और अ कंट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो या तो एक कंपनी को रेट करेगी या पूरे देश को रेट करेगी बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल. जो भी उनका फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से वो कंपनियों को या देशों को भी रेट करेगी. तो मूडीज जो है, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है, इसने कहा है, इसने रेट किया है कि इंडिया जो है वो ग्रो करेगी आपकी बाय 7.5% इन 2018 एंड ऑल्सो इन 2019. ये दोनों ही साल में आपकी ग्रो करेगी बाय 7.5%. अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ आपका बना है 1909 में मूडीज़ की स्थापना हुई है, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज की. नंबर वन. नंबर टू की बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है. और ये बेसिकली जो है ये एक बड़ा कंपनी, इसका नाम है मूडीज़, उसकी ये मेन कंपनी है. देखिए भाई, बात समझना ध्यान से, यहाँ पर एक करेक्शन करूँगा मैं. दो कंपनियाँ होती हैं, एक होती हैं ऑपरेटिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी. इनके ऊपर होता है आपका होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी कभी भी एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिव बिजनेस. तो इसकी होल्डिंग कंपनी का नाम है मूडीज़, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करती है. पर जो इसकी ऑपरेटिंग कंपनी है वो है मूडीज़ USA. और मूडीज़ USA की कंपनी जो है उसका नाम है, जो कि उसकी एक अनुषंगी होगी सबसे, उसका नाम है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज. तो तीन कंपनियां होती हैं. फर्स्ट इज़ होल्डिंग, जो कि पैसा लगाएगा पर एक्टिवली काम नहीं करेगा. सेकेंड इज़ ऑपरेटिंग कंपनी, जो कि एक्टिवली काम करेगा. एंड थर्ड इज़ उसकी छोटी कंपनी, दैट इज़ अ सब्सिडरी. तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट अ होल्डिंग कंपनी, देन द ऑपरेटिंग कंपनी एंड देन द सब्सिडरी. जो होल्डिंग कंपनी होगी, दैट कंपनी विल इन्वेस्ट द फंड्स, इट विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द एक्टिव बिजनेस. द सेकेंड कंपनी विल बी द ऑपरेटिंग कंपनी, द कंपनी विल बी इन्वॉल्व इन एक्टिव बिजनेस. एंड थर्ड कंपनी विल बी अ स्मॉलर कंपनी, जो कि यहाँ पर आपकी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज है. तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एग्जांपल किसका दूँ? रिलायंस का. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज द ऑपरेटिंग कंपनी. रिलायंस जियो इज अ सब्सिडरी. सिमिलरली रिलायंस का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो आपकी, जो उसमें पैसा लगाया होगा जिस कंपनी ने, वो आपकी होल्डिंग कंपनी होगी. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो आइए दिखाते हैं आपको इसका हिंदी में. ये रहा आपके सामने इसका हिंदी. हाँ, इसी एग्जाम्पल आ रहा है, बहुत सही एग्जाम्पल शेफाली का आया. अल्फ़ाबेट एंड गूगल एंड यूट्यूब. अल्फ़ाबेट इज़ दी होल्डिंग कंपनी. अगर वही कंपनी आपकी एक्टिव इन्वॉल्व है तो ऑपरेटिंग कंपनी है. उसकी जो छोटी कंपनी है वो है गूगल, वो है यूट्यूब, ये सब उसकी छोटी कंपनियां हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुषी, एज वेल एज ये सब बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ठीक है. चलिए, तो अब ये रहा इसका हिंदी, इसको देख लीजिएगा दोस्तों. यहाँ तक आपको क्लियर होगा? क्लियर हो गया एक बार कमेंट में डाल दो, यस सर वी हैव अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने. सेंसेशनल विहान हैज शॉट अ सिल्वर इन शूटिंग एंड हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन शूटर टू विन अ मेडल इन द एशियन गेम्स. मतलब 15 साल की उम्र में जब हमको आइडिया ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, तो ये बालक है जिसने सिल्वर मेडल जीता है एक इवेंट में इन जकार्ता एशियन गेम्स. तो सवाल मेरा आपसे दोस्तों यहाँ पर ये है कि इस लड़के ने, ये लड़का नहीं कहूँगा, इस व्यक्ति ने, इस शूटर ने, इस एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट ने कौन से कैटेगरी में, कौन शूटिंग कैटेगरी में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल. सो बेसिकली ही हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन द मेन्स डबल ट्रैप and has become the youngest ever Indian to win, youngest Indian shooter, माफ करिएगा, to win a medal at the Asian Games. इनका नाम है विहान, शार्दुल विहान, इनका पूरा नाम है शार्दुल विहान, और इन्होंने जीता है डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अंकिता रैना की. शी इज़ अ लॉन टेनिस प्लेयर एंड इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल. शी वॉज डिफीटेड इन द सेमीफाइनल्स एंड शी हैज़ सेटल्ड विथ द ब्रॉन्ज मेडल गाइस. और अच्छी बात यह है कि अपनी जो एक डबल्स का एक पेयर है, दैट इज़ रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण, ये जो आपका एक पेयर है, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, रोहन बोपन्ना
and Divij Sharan. They have reached the finals of the doubles event. Doubles event के ये finals में है, तो 100% है कि ये जो हैं ये हमें एक silver medal तो दिलवा के रहेंगे, because वो तो इनका already हो गया है, ठीक है. तो अंकिता रैना हैज़ वन ब्रॉन्ज इन द वुमेन सिंगल्स, एंड इन द डबल्स रोहन बोपन्ना एंड दिवेज शरण दे हैव वन द सिल्वर. दे कैन विन द गोल्ड इफ दे डिफीट द फाइनलिस्ट इन द डबल्स फाइनल्स इन द एशियन गेम्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि अंकिता रैना जो हैं वो इनमें वो कौन से स्टेट्स हैं. देखिए पहले तो अंकिता रैना जो हैं शी इज़ अ लॉन टेनिस प्लेयर, ठीक है, वो एक लॉन टेनिस प्लेयर हैं सबसे पहले, वन सेकेंड. एंड सेकेंड बात करें तो शी बेसिकली इज़, अगर मैं देख लूँ, शी बेसिकली इज़ फ्रॉम गुजरात, तो ये गुजरात से बेसिकली बिलोंग करती हैं एंड ये एक टेनिस प्लेयर हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. झूलन गोस्वामी, शी इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेट ग्रैंड वुमन ऑफ द इंडियन वुमेंस क्रिकेट एंड शी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इफ नॉट द ओल्डेस्ट वुमेंस प्लेयर दैट इज़ प्लेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. शी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल. शी विल नाउ ओनली प्ले द वन डे इंटरनेशनल. वो सिर्फ आपकी जो हैं वो वन इंटरनेशनल्स को अब फिलहाल खेलेंगी. तो ये उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम दी T20 इंटरनेशनल्स. अगर हम बात करें झूलन गोस्वामी की, तो एक सवाल तो एग्जाम में बनेगा जो कि आप लोग जानते भी होंगे, सवाल बनेगा कि शी इज़ फ्रॉम क्रिकेट. सवाल एक और बनेगा कि शी इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विकेट टेकर विद 200 विकेट्स इन 169 गेम्स. उन्होंने उनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं ODIs में, और उन्होंने 200 विकेट लिए हैं 169 गेम्स के अंदर. तो ये भी एक उनका रिकॉर्ड है, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है. तो दो सवाल बनेंगे, पहला शी इज़ फ्रॉम क्रिकेट नंबर वन, एंड नंबर टू शी इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेंस क्रिकेट विद 200 विकेट्स इन 169 गेम्स. सुमित चौधरी, नमस्कार, आपकी नींद लगता है पूरी हो गई है. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने. जापान गेट्स इट्स फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट. जो जापान कंट्री है, और ये बड़ा शॉकिंग सा बात है कि इस कंट्री में पहली बार एक महिला फाइटर पायलट बनी है. तो इट्स समथिंग टू बी रिजॉय, समथिंग टू बी कमेंडेड, बिकॉज ऐसा होना चाहिए हर देश के अंदर. तो जापान के अंदर भी हुआ है कि उनको मिली है पहली फीमेल पायलट, जिनका नाम ये है मीसा मस्तुशिमा. एंड उन्होंने टॉप गन एक मूवी देखी थी, टॉप गन मूवी लेट 1980s की है, जिसमें टॉम क्रूज प्लेड अ बिग रोल. तो उसे इंस्पायर होके मीसा मस्तुशिमा हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जापान. सो कूडोज टू जापान कि इन्होंने ऐसा एक काम यहाँ पर किया है. शी इज़ उनकी जो एक रैंक है in the armed forces, that is first lieutenant. So first lieutenant Meesa Mastushima, who is 26 years of age, has become a member of the Japan Air Self-Defense Force, and unhone F-15 ko fly karke she was officially inducted in the Japanese Air Force. And मीसा मस्तुशिमा जो हैं वो यहाँ बन गई हैं. अब सवाल मेरा आपसे ये है कि हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट. सवाल आपसे मेरा है कि भारत की तरफ से पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, ये ज़रा मुझे बता दीजिए. अभी ये बहुत जल्दी की ही बात है, करीब शायद 3-4 महीने हुए होंगे, डिस्कस मैंने किया था इसको हिंदू शो में. तो उनका नाम क्या है, ज़रा इसको एक बार आप बता दीजिएगा. बाकी तो आप जानते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एब, जो वहाँ की करेंसी है वो भी आप जानते होंगे, वहाँ का कैपिटल भी आप जानते होंगे. पर मेरे को बताओ आप कि द फर्स्ट इंडियन वुमन फाइटर पायलट कौन है. देखते हैं कितने लोग उसको बता पाते हैं. बिल्कुल, प्रदीप रपेती इज़ द फर्स्ट टू आंसर. इट इज़ अवनी चतुर्वेदी. वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं. बिल्कुल सही आप आंसर मेरे दोस्त मेरे भाई दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. अवनी की तरह जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, मम्मियाँ भी हैं, दादी भी हैं, सबको मैं चाहता हूं कि वो लाइफ में किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी एज पे हो, दे मोर पावर टू देम, बिकॉज उन्होंने हमें जन्मा है. दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट दे हैव डन, जिसके लिए हमें हमेशा उनके आभारी रहना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली हेडलाइन पर.
नाउ गाइज लेट्स फोकस ऑन द अदर हेडलाइन सेगमेंट. अब बात करते हैं हम बाकी खबरों पर. इनमें करीब 5 से 7 खबरें हैं. तो मैं चाहता हूँ फिर से जितने भी लोग हमारे दोस्त लोग यहाँ पर हैं वो फिर से फोकस करें, और अगर अभी तक आपने इस शो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बारी है हमारी अदर हेडलाइंस की. ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव शो है. चलिए तो अदर हेडलाइंस पे दोस्तों पहले बात करते हैं हम एक रिपोर्ट के बारे में. अच्छा, रिपोर्ट में बात करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम दोस्तों दिया हुआ, उसका नाम है CERT IN. क्या नाम है उसका? CERT IN. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो CERT नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, या फिर CERT IN. ये बेसिकली इसका दोस्तों फुल फॉर्म है, ठीक है, CERT IN. और इसने एक रिपोर्ट जारी की थी. इसने एक रिपोर्ट में कहा था, इसने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो मैक्सिमम साइबर अटैक्स हैं, दो साइबर अटैक्स आर टेकिंग फ्रॉम चाइना. ये उन्होंने कहा है, चाइना नंबर 1 पे है, USA नंबर 2 पे है, और जो आपका रशिया है वो आपका नंबर 3 पर है. उनके हिसाब से जो डेटा है, दैट डेटा इज़ बिटवीन अप्रैल टू जून 2018, अप्रैल से जून के महीने का डेटा है, और इसके हिसाब से जो मैक्सिमम साइबर अटैक्स हैं वो चाइना नंबर 1, USA नंबर 2, और रशिया नंबर 3. मतलब पाकिस्तान तो 4 नंबर पे है. मतलब जो दुश्मन लगता है वो दुश्मन ना होके दोस्त है. बाकी जो टॉप है वो आपका चाइना से है, USA से है, और रशिया से अटैक आया है. और ये डेटा है अप्रैल जून का. अगर हम CERT IN की बात करें तो CERT IN की जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है इन 2004 में. इट वॉज फाउंडेड नंबर 1, एंड नंबर 2 इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर, उनका नाम है संजय बहल. वो बेसिकली इसके हेड हैं. तो जो लोगों ने PDF डाउनलोड कर लिया है वो इसको लिखते जाएं उसी PDF में, या फिर नोट करते जाएं कि CERT IN इज़ बेसिकली द एजेंसी, इज़ द मेन एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी. भारत में जो इंफॉर्मेशन सुरक्षा है उसकी जो मेन एजेंसी, उसका नाम है CERT IN. फाउंडेशन हुआ है 2004 में इसका, और संजय बहल जो हैं वो इसके हेड हैं या उसके चेयरमैन हैं. एंड दिस डिपार्टमेंट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आपका काम करता है. ज़रा मैं कमेंट्स चेक कर लूँ, यहाँ तक सब लोग को सही है? सब लोग दिख रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम सुधांशु कुमार सिंह, सर हाउ डज CERT वर्क्स? देखिए, CERT इज़ बेसिकली एन एजेंसी जो बैकडोर में काम करती है. वो एनालाइज करती है पूरे इंफॉर्मेशन को दैट इज़ स्प्रेड ऑन इंटरनेट, एंड कोशिश करती है टू सेफगार्ड एनी साइबर अटैक. किसी भी तरीके का जो साइबर अटैक है उसको रोकने के लिए वो यहाँ पर काम करती है. तो सुधांशु जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. जो लोग को मेरे को मेल करना है वो मुझे मेल कर सकते हैं kush.pandey@adda247.com पर. वहाँ पर जाके वो मेरे को मेल भी कर सकते हैं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन रांची. रांची में अंतर्राष्ट्रीय रंग कला महोत्सव आयोजित किया गया, एंड इट विल क्लोज ऑन August 27. तो करीब एक महीने तक आपका चलेगा. और कहाँ पर चलेगा आपका? चलेगा आपका इन रांची सिटी, वहाँ पर आपका ये चलने वाला है. क्या चलने वाला है आपका? दी फेस्टिवल दैट इज़ द इंटरनेशनल कलर फेस्टिवल. क्योंकि हम यहाँ पर आइए रांची की बात कर रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको झारखंड का हमारा स्टैटिक शॉट्स. तो आई होप आप लोग तैयार हैं. ये रहा आपके सामने झारखंड की कुछ जानकारी. मेरे को हटा दो स्क्रीन पर. अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें हिंदी है, संथली है. सो ऑफिशियल तो हिंदी है, पर उस वहाँ पर संथली बोली जाती है, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश बोली जाती है. सिमिलरली अगर हम बात करें कि झारखंड है क्या, तो झारखंड इज़ नोन फॉर मिनरल रिसोर्सेज. जो मिनरल उत्पाद हैं उसके लिए आपका ये स्टेट फेमस है. इट इज़ दी ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पायराइट. तो ये जो 3 मिनरल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके झारखंड में पाए जाते हैं. अगर बात करें इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो छोटा नागपुर प्लेटो, जो एक छोटा नागपुर पठार है, दैट मेक्स अप द एंटायर झारखंड स्टेट. वो झारखंड स्टेट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. मेजर रिवर्स की बात करें तो मयूराक्षी रिवर है,
अमरनाथ रिवर है और खरका, ये तीन वहाँ की आपकी फेमस रिवर्स हैं जो स्टेट है आपका झारखंड। फेस्टिवल्स की बात करें दोस्तों, तो छठ पूजा जो कि बिहार का भी काफ़ी फेमस फेस्टिवल है वो यहाँ पर है, बसंत पंचमी, जितिया भैया दूज, कुंडा मेला, कोल्हुआ मेला, छतरा मेला, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट आपके फेस्टिवल्स हैं जो कि आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें मेजर आर्ट फॉर्म्स की दोस्तों, तो मेजर आर्ट फॉर्म्स में ये पेंटिंग्स हैं आपकी जिसका नाम है पाइतका, जदोपिया, सोहरा, ये सारे पेंटिंग्स हैं। डांस में छाऊ है, पाइका है, हुंटा है, करम है, बराव है। इंडस्ट्री में बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट यहीं पर है, ऑयल सिमिलरली जो जादूगोरा यूरेनियम माइन है वो भी यहाँ पर, तो ये दो यहाँ की फेमस माइंस हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में पैडी, व्हीट, मेज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं। स्टेट एनिमल हाथी है यहाँ का, स्टेट बर्ड यहाँ की एशियन कोयल है, स्टेट फ्लावर यहाँ का पलाश, और स्टेट ट्री जो है वो यहाँ की साल है जो कि आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर हमने फ़िलहाल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं तो वापस आते हैं स्क्रीन पर। तो ये था स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट झारखंड, ठीक है, हमने बेसिक आपको दे दिया। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट हैज़ बेसिकली लॉन्च्ड अ टू गुड प्लेटफॉर्म, ये पहला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिफर्बिश्ड गुड्स, ऐसे वस्तु, ऐसे सामान जो पुराने हैं जिनको सही करके दिया जा रहा है, बेसिकली वो न्यू नहीं है पर उनमें कुछ खराबी हो सकती है या फिर उन्हें सही करके बेचा जा रहा है, दे आर एज़ गुड एज़ न्यू, तो उसको लॉन्च किया है बाय फ्लिपकार्ट। एंड सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा, मेरे स्क्रीन पर ले आओ, सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा और वो सवाल होगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट हैज़ लॉन्च्ड टू गुड प्लेटफॉर्म, तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट बेसिकली एक कंपनी थी जिसको हाल ही में अक्वायर किया है वॉलमार्ट ने, और इसमें जो एक्विजिशन है वो आपका 77% का है। पर अगर हम फ्लिपकार्ट की बात भी करें तो फ्लिपकार्ट वॉज स्टार्टेड इन 2007, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों वो हैं आपके बेंगलुरु में, और इसके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम है सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, और अभी जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, वो इसके इस समय सीईओ बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने हाल ही में एक फैसिलिटी लॉन्च की है जो जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि ये ओवरड्राफ्ट आखिरकार क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ओवरड्राफ्ट, तो आइए जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखिए अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो आपका ये अकाउंट है, अकाउंट में आपको आपके पास हैं 5,000 रुपये, नाउ यू रिक्वायर अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 10,000 रुपीज़, if this account allows overdraft then the bank will provide you 10,000 rupees at a rate of interest, this small time advance on a savings account or on a bank account is basically called as a overdraft facility. तो मैं फिर से repeat कर दूँ guys, an overdraft facility is a facility which is offered on an account, the amount offered is over and above the account balance, that facility is called as a overdraft facility. तो अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं पर आपके पास एक overdraft facility है, इसका मतलब है कि आप अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हो, तो उसे बेसिकली हम कहते हैं एक overdraft facility, ठीक है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने लॉन्च किया है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये फैसिलिटी जो है इट हैज़ ओनली बीन लॉन्च्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो लघु और माइक्रो उद्यम हैं उनके लिए फैसिलिटी हुआ है। यहाँ पर अगर किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का अगर जो एक टर्नओवर है वो 50,00,000 से ज़्यादा है, सिर्फ उनको ही ये फैसिलिटी आपको समझ में आएगी। परिणीता आपके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर एंड अबव, जो भी अकाउंट में पैसा होगा उससे ऊपर पैसा आपको मिलेगा लोन के रूप में एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट हैज़ बीन ऑफर्ड बाय द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, और वो भी वही एंटरप्राइजेज जिनकी टर्नओवर 50 लाख या उससे ज़्यादा है। तो आई होप रोली जी को और परिंदा जी को समझ में आ गया होगा। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपकी बनारस में हैं। नाउ क्योंकि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, तो मैंने आपके लाया है एक लिस्ट, जिस लिस्ट में आप जान पाओगे कि और कौन कौन से आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, वो शुरू कब हुए और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। एक यहाँ पर करेक्शन करूँगा, उज्जीवन जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने इसका एक डेटा, स्क्रीन पर आप फिलहाल दोस्तों देख पा रहे हैं। पहला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका बैंक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में है। ठीक है, अच्छा बनारस लोग कह रहे हैं, एक बार चेक कर लें बनारस है कि नहीं, चलो उसको चेक कर लेंगे। देन जनलक्ष्मी है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। इक्विटास है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में। तो ये मैंने आपको एक दे दिया है एक डेटा, जिसमें हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं, उसको मैंने बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस डेटा को आप देख सकते हैं, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करीब 10 से 11 जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके प्रमोटर्स के नाम, उनके बैंक के नाम और साथ में उनके जो हेडक्वार्टर्स उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लिख सकते हैं, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आया। शिल्पा कुमारी, यस ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका एक तरह का लोन भी है। ठीक है, अच्छा बनारस में अर्जन जी कह रहे हैं एक वो बैंक, चलो चेक कर लेंगे उसको, पर बाकी ये सब एक बार डेटा आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने। FSSAI हैज सेट स्टैंडर्ड्स फॉर हनी, जो हनी है, जो शहद है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं FSSAI ने। FSSAI इज़ द मेन अथॉरिटी विच इज़ कंसर्न विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड इन इंडिया, एंड उसने ही कहा है कि हनी के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है सुक्रोज की, दैट शुड बी एट 5%। 5% शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुक्रोज इन हनी, ये उन्होंने यहाँ पर आपके सामने कहा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है शो तो लाइक कीजिएगा शो को, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा शो को मैक्सिमम लोगों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो है FSSAI, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि FSSAI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका बेस्ड है, जो कि आपका बेस्ड आउट है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड है उनका नाम है आशीष बहुगुना, जो कि इसके इस समय चेयरपर्सन हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं गाइस। इंडिया वांट्स अ रिवीजन ऑफ गैस प्राइस वाया तापी। मैं चाहूँगा इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मुझे पता है कई लोग हैं जो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, पर फिर भी सीरियस हो जाओ मेरे भाई। इंडिया चाहता है कि जो तापी पाइपलाइन है उसके थ्रू जो एक गैस मिलेगा इंडिया को, उसकी प्राइस में रिवीजन किया जाए, इट शुड बी लोअर्ड। आल अगेन रिपीट गाइस, इंडिया वांट्स अ रिवीजन ऑफ द गैस प्राइस थ्रू तापी, उसको उन्होंने यहाँ पर कहा है। अब सबसे पहले दोस्तों तापी बेसिकली है क्या, देखिए तापी जो वर्ड है इसका इसमें टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अफगानिस्तान, पी मतलब पाकिस्तान और आई मतलब इंडिया। तो ये इसका है, एक तुर्कमेनिस्तान टी से, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया, ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म है। तो जो तापी पाइपलाइन है उससे जो गैस मिलेगा इंडिया को, उसमें वो प्राइस का रिवीजन यहाँ पर चाह रहा। आप देख सकते हैं कि शुरू हो रहा है तुर्कमेनिस्तान से, गया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान आया और फिर ये इंडिया में जाकर ऐड हो गया। तो ये जो आपकी लाइन बनी हुई है, ये लाइन जो आपकी है, ये लाइन आपकी है तापी की, तो इससे जो एक गैस बनेगी, इस गैस पाइपलाइन से जो गैस का प्राइस है उसको कम करने की उन्होंने यहाँ पर बात कही है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये तापी पाइपलाइन आखिरकार है क्या। सबसे पहले द लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज़ 1814 किलोमीटर्स, नंबर वन। नंबर टू, 816 किलोमीटर्स विल पास थ्रू अफगानिस्तान, ये पहल सेकेंड है। थर्ड, ये अफगानिस्तान पास करेगी, जब सब जगह पास करेगी। फोर्थ बात करें तो इंडिया, तो फाइनल डेस्टिनेशन पाइपलाइन का है वो इंडिया का टाउन जो है फजिलका, यहाँ पर ये एंड होगा। तो स्टार्ट अगर बात करें तो स्टार्ट होगा वैसे तो हेरात विरात से, पर ये फजिलका में एंड होगा जो बॉर्डर पे है पाकिस्तान के। इसका कॉस्ट है 22.5 बिलियन US डॉलर्स और ये कंप्लीट होने की बात कही गई है
2019, जिसमें कि करेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका प्यारा भाई हूँ। तो ये है आपके सामने इसका हिंदी वर्जन भी, किसका जो किलोमीटर दे दिया मैंने आपको, इसका एक क्या क्या एरिया आपको दे दिए। तो भाई, अब तो लाइक बनता है, अगर अभी लाइक नहीं करो शो को तो कब लाइक करो भगवान जाने। तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है अबाउट द तापी पाइपलाइन। थैंक यू सो मच गाइज, संबीर जी इंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आज के हमारे फाइनेंशियल टर्म्स की। दोस्तों, आज के हमारे जो दो फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो ये रहे। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसका सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म याद नहीं, कोई भी डेफिनेशन याद नहीं रखना है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, बिकॉज वही एग्जाम में आएगा, बाकी एग्जाम में यहां पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहां पर बता दूं इसका फुल फॉर्म, मीबॉर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लिबोर का फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और टीबोर का फुल फॉर्म है टोक्यो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अभी सिर्फ इतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको बैंकिंग में मास्टर तो बनना है, पर अभी फिलहाल यही पढ़िएगा कि मीबोर क्या है, लीबोर क्या है और आपका टीबोर यहाँ पर क्या है। मधुमिता रॉय, अगर आपको कोई भी क्वेरी है टेस्ट सीरीज को लेकर, यू कैन मेल अस support@adda247.com, ठीक है। तो पर ये तीन फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म क्या क्या हैं उनको देख लीजिएगा, बाकी आपको यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारे आज के मैप स्टडी पर। तो आज का जो मैप हमने शुरू किया, कल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अबाउट इंडियन माउंटेंस, पर जो आज का हमारा मैप स्टडी है दोस्तों, दैट मैप स्टडी विल फोकस ऑन द इंडियन रिवर्स, भारत की जो नदियां हैं या नदियां हैं उन पर फोकस करेगा। और अगर हम नदियों की बात करें तो द रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू द हिमालयन रिवर्स, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। ये जो आपकी नदियां हैं, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स, और ये जो आपकी नदियां होंगी, दीज आर द हिमालयन रिवर्स। सो द इंडियन रिवर सिस्टम गाइस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द अदर इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अगर हम आज बात करें अबाउट द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो इसमें दोस्तों जो आज बात करें अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में आपके तीन वेरियंट्स हैं। फर्स्ट है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड है गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड है आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो एक बार फिर से आपसे रिपीट कर दूं दोस्तों मैं, कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन रिवर्स, द रिवर सिस्टम आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, द हिमालयन दैट इज द अपर पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इट इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन हिस्से हैं, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। तो ये रहा आपके सामने इसी का हमारा डिस्कशन, देखिए दिया भी हुआ है, और आज डिस्कशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा रिवर इज 2525 किलोमीटर्स लॉन्ग, जिसमें से 1450 किलोमीटर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यूपी में है, 445 किलोमीटर बिहार में है और 520 किलोमीटर आपका वेस्ट बंगाल में है, नंबर वन। नंबर टू, गंगा की बात करें तो इसके दो मेन रिवर्स हैं इसकी स्ट्रीम की, पहली है आपकी भागीरथी एंड सेकेंड है आपकी अलकनंदा, जो कंबाइन होती हैं एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। अगेन रिपीट गाइस, दो इसकी स्ट्रीम्स हैं जिनके नाम है भागीरथी और अलकनंदा, जो कंबाइन होती हैं और मिलकर आपको बनाती हैं एज द रिवर गंगा, दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें कि अलकनंदा से पहले जो आपकी भागीरथी है, मंदाकिनी आपकी मिलती है अलकनंदा पे, रुद्रप्रयाग पे, तो तीन रिवर्स हो गई, पहली भागीरथी, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, ये तीन रिवर्स मिलकर आपकी गंगा को बेसिकली बनाती हैं, नंबर वन। नंबर टू, भागीरथी का सोर्स है गौमुख, अलकनंदा का है बद्रीनाथ और मंदाकिनी का है आपका केदारनाथ। ये यहाँ दिया हुआ है, जो लोग को यूपीएससी देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बैंक वाले आप सिर्फ जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं जो इसकी सबसे सेकेंड सबसे बड़ी एक जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है यमुना,
ठीक है, यमुना इज 1375 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि सेकेंड जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और ये यमुनेत्री में आपकी बनती है जो कि उत्तराखंड में है, और ये गंगा के पैरेलल रन करती है, और इलाहाबाद में जाकर इसका एक विलाप या इसका एक मिलन दोस्तों यहाँ पर होता है। सिमिलरली बात करें अदर ट्रिब्यूटरीज़ में, तो इसकी हैं घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी है, गोमती है, दामोदर है। कोसी को हम सौरव बिहार कहते हैं, किसको? कोसी को, जो कि बिहार का सौरव है, और दामोदर को हम सौरव बंगाल कहते हैं। हुगली भी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा की है, जो कि कोलकाता में आपकी ट्रैवल करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, एक बार ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मुझे पता है कई लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर ये शो उन्हीं लोग के लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर। इस शो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया और मैं उस पर अब अमल भी कर रहा हूँ कि चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, कैसा भी हो, ये शो आपको रोज़ देखना है। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी है तो भी आपको ये शो रोज़ देखना है, बिकॉज कुछ नहीं तो आपकी जानकारी ही बढ़ेगी। सो इसी सोच के साथ कि एवरीवन विल इम्प्रूव ऑन इन देयर नॉलेज, एवरीवन का इंफॉर्मेशन आपका ज़्यादा बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस आपका यहाँ आने के लिए। 40 नामुराद लोगों ने डिसलाइक भी किया है, तो उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, पर बाकी 1000 लोग से थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइक्स एंड यहाँ पर आने के लिए। अब आपसे मिलते हैं हम कल, जहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर से हम इन सब खबरों को। बाय, टेक केयर, एंड पर उससे पहले ये है हमारा आज का आखिरी मैसेज, डू समथिंग ऑसम टुडे। आज कुछ ऐसा करें जो बहुत ही बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस, मिलते हैं आपसे कल। बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। This particular show will focus on the Hindu, will focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots, there will be financial terms, we'll also have MCQs, we'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. Aur maze ki baat dosto ye hai ki ye show ab Hindi mein bhi aayega. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. With the current affairs, well.